अभी हम बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप संख्या 16 का भाग देना सीखेंगे। किसका भाग देना है? 16 का। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम संख्याओं की तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे? यदि दो अंक की संख्या है तो दो अंक के साथ तुलना करेंगे। क्या देखेंगे? क्या यह 16 से बड़ी है? यह 16 से बड़ी है। तो अब हम 16 का टेबल कितनी बार लें कि 93 से बड़ा ना है। लगाओ दिमाग। तो एक बच्चे ने लगाया दिमाग और वो बोल रहा है कि सर हम 16 का टेबल लेते हैं, जैसे कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो 5 संग 30, 3 के लिए आ गया 8। ठीक है, कितनी बार गया? 5 बार। कितना आ गया? 80। फिर इसको घटाया तो कितना आ रहा है? 13। देखिए, घटाने पर जो संख्या आ रही वो 16 से छोटी, इसका मतलब हमने भाग ठीक किया है। अब क्या करें? फिर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है कि सर ऊपर से जो एक अंक पड़ा है उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। अब 16 का टेबल कितनी बार लें कि इससे बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो 16 का टेबल मैं लिया हूँ कितनी बार? 8 बार। ठीक है, 8 संग 48, 4 के लिए आ गया 8, 4 12, तो भाग गया 8 बार। कितना बन गया? 128। ठीक है, फिर इसको घटा दिया, कितना आ गया? 8। अब आगे डिवाइड करना है तो पॉइंट लेकर डिवाइड कर सकते हैं। यहीं रोकेंगे तो ये आपका क्या है? भागफल है। पॉइंट वाले डिवाइड भी हमने खूब कर रखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ये सेंस फल है। इस प्रकार से आप अपने भाग को समझ सकते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।